हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने एक रेगुलर नॉर्मल डे पे किस तरह की डाइट लेती हूँ। एक्चुअली हम में से बहुत लोगों ने ना हेल्दी लाइफस्टाइल को काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया। हमें लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का मतलब है कुछ फैंसी खाना खाना या फिर हर वक्त डाइट पे रहना, जबकि हेल्दी लाइफस्टाइल इज जस्ट द वे ऑफ लिविंग। हेल्दी होने का मतलब लक 28 या 47 वेट करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खुद को फिट रखना, ताकि हम अपने सारे काम, अपने ऑफिस के काम ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना, ताकि हम बात बात पे बीमार ना पड़े। तो आपको क्या लगता है कि हम एक देसी इंडियन रेगुलर घर के खाने के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आज के ब्लॉग का यही तो एक पर्पस है। आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह की डाइट लेती हूँ, एक इंडियन देसी घर के खाने के साथ भी मैं खुद को कैसे हेल्दी रख पाती हूँ, और साथ में पोर्शंस का ध्यान किस तरह से रखती हूँ। आज के डाइट में हम जो भी लेने वाले हैं उन सब की रेसिपीज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि हम कुकिंग स्टाइल पे भी फोकस कर सके। तो गाइज, मेरा आज का वर्कआउट हो चुका है। आजकल मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना वर्कआउट खत्म कर लेती हूँ, और देखते हैं कि आज के वर्कआउट के बाद मैं सबसे पहले क्या लेने वाली हूँ। चलिए चलते हैं। वैसे तो फ्रूट्स खाने के टाइम को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको अर्ली मॉर्निंग खाना चाहिए, और कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप किसी भी टाइम खा सकते हो। बट मैं फ्रूट सुबह ही लेती हूँ, और उसके दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन, तो इससे मेरे फ्रूट की इंटेक इंश्योर ज़रूर हो जाती है, क्योंकि बाकी का पूरा दिन हम बिजी हो जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इससे फ्रूट्स खाना जनरली मिस हो जाता है। तो सुबह सुबह फ्रूट्स खाने से एक तो फ्रूट्स की इंटेक इंश्योर ज़रूर हो जाती है, और दूसरा मेरा रीज़न जो मैं मॉर्निंग में फ्रूट्स लेती हूँ वो ये है कि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर कंटेंट होता है। तो जब हम सुबह सुबह फ्रूट्स खा लेते हैं, तो उसके बाद पूरा दिन हमारी बॉडी शुगर खाने के लिए बिल्कुल भी क्रेव नहीं करती। तो इसलिए मैं सुबह उठ के वर्कआउट के बाद कोई भी सीजनल फ्रूट लेती हूँ। अब सीजनल फ्रूट को कैसे पहचाने? खैर, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हमारी नॉलेज, हमें पता होता है कि आजकल सीजन में क्या चल रहा है। और दूसरा एक तरीका है कि जब भी आप बाहर जाओगे, आप देखोगे कि आपके आसपास बाहर जो गली में रेड़ी वाले होते हैं, उनके पास जो भी फ्रूट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो भी सबसे ज़्यादा भरा हुआ है, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि रेड़ी में मैंगोज भरे होते हैं, या फिर वाटरमेलन या फिर मस्कमेलन बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस में दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये सारे फ्रूट जो है ये इस सीज़न के हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये फ्रूट्स आपको बहुत ही सही प्राइस में भी मिल जाते हैं। जो भी फ्रूट सीजनल होगा वो आपको सही दाम में मिलेगा। तो द फ्रूट विच इज़ सीजनल एंड विच इज़ रीजनल इज ऑल्सो रीजनेबल। तो ये तरीका है पहचानने का कि कौन सा फ्रूट आजकल के मौसम में है, कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो गाइस, मैं सुबह उठ के अपने वर्कआउट के बाद सबसे पहले एक बोल फ्रूट्स लेती हूँ, जो कि अराउंड 100 ग्राम्स फ्रूट्स होते हैं, और इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो फ्रूट्स ख़त्म करके देखते हैं कि आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। चलो आप गैस करके बताओ कि ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडर जार में थोड़े से ओट्स ले रही हूँ, 4 टेबलस्पून ओट्स, और इसको मैं पीस के इसका ओट फ्लार बनाने वाली हूँ। ओट फ्लार को हम एक बोल में निकालेंगे, और अब इसमें मैं सूजी ऐड करूँगी। जितना ओट फ्लार लिया है उतनी ही सूजी, 4 टेबलस्पून सूजी। अगर आपने गेस कर लिया है कि क्या बन रहा है, तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हो। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून ही दही ऐड करेंगे, 1, 2, 3 एंड 1 मोर। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डाल लेंगे। हमें इसका एक पेस्ट रेडी करना है, जो कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ आप बीट करते रहो, अच्छे से मिक्स करो, ताकि इसके अंदर लम्ब्स ना बने। तो इस तरह का मिक्सचर हमें रेडी करना है। अब हम गैस के ऊपर एक बड़ा सा पतीला लेंगे, और उसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। इसे कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि पानी गर्म हो जाए और स्टीम बननी स्टार्ट हो जाए। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम इडली बना रहे हैं। अब मैं एक इडली स्टैंड ले रही हूँ, और इसके सारे सेक्शंस में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। अब एक ब्रश की हेल्प से आप इस ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। इससे इडली स्टैंड के अंदर चिपकेगी नहीं और ईजिली बाहर आ जाएगी। अराउंड 5 मिनट हो गए हैं, और ये रहा हमारा इडली का मिक्सचर। क्योंकि सूजी पानी सोख लेती है और फूल जाती है, इसलिए ये वापस थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लेते हैं। अब इडली बनाने से जस्ट पहले हम इसके अंदर थोड़ा इनो डालेंगे। एक पैकेट इनो मैं इसके अंदर ले रही हूँ, एंड वापस से इसको जल्दी से मिक्स कर रही हूँ। इनो डालते ही आप देखोगे कि ये मिक्सचर थोड़ा फर्मेंट होने लगेगा, और अब एक टेबल स्पून की हेल्प से हम इडली स्टैंड के अंदर इस मिक्सचर को ऐड करेंगे। हमें इसे पूरा टॉप तक फिल नहीं करना, इडली को फूलने के लिए भी स्पेस देनी है। अब इन प्लेट्स को हम स्टैंड में फिक्स कर लेते हैं, और इतने में हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका होगा और स्टीम बननी स्टार्ट हो गई होगी। अब बहुत ही जेंटली मैं इसे पतीले के अंदर रख देती हूँ, एंड लेट्स
कवर इट अगेन। अब इसे आपने 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है और अराउंड 10 मिनट के बाद जब आप खोलोगे तो आपकी इडली पूरी तरह पक चुकी होंगी। इसको चेक भी कर लेते हैं टूथपिक की हेल्प से। टूथपिक को इडली के अंदर डाल के देखो, अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाहर आ जाती है इसका मतलब ये है कि इडली अच्छे से स्टीम हो चुकी है और बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। नाउ लेट्स टेक अ स्पून और उसके उल्टी साइड से हम बहुत ही जेंटली इडली को स्क्रेप आउट करेंगे। लगता है कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट एंड फ्लफी बनी है। एनीवे लेट्स टेक देम आउट। तो गाइज ये रहा आज का ब्रेकफास्ट, इडली चटनी और सांबर। एक्चुअली अभी मैंने सिर्फ इडली और चटनी ही बनाया है, सांबर ये कल रात का लेफ्ट ओवर है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में नॉर्मल इडली एंड चटनी भी ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ कम्प्लीट ब्रेकफास्ट इन इटसेल्फ। वैसे मैं जनरली जब भी हम लोग रात को या डिनर में सांबर राइस खाते हैं तो नेक्स्ट डे मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में इडली बन जाए, बिकॉज वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो जाता है। तो अभी ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले ना मैं आपको इडली के 10 बेनिफिट्स बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो बहुत ही ईजिली कुक हो जाती है, हमें इडली बनाने में 10-15 मिनट का टाइम लगा है मैक्सिमम। सेकेंडली क्योंकि ये फर्मेंटेड फूड है तो इसलिए ये हमारे गट के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। फाइबर रिच है इसलिए हमें ज़्यादा देर तक फुल रखती है। आप देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, फ्लफी है और खाने में काफ़ी डिलीशियस है। इसके अंदर कोई सैचुरेटेड या ट्रांसफैट नहीं है, बल्कि हमने इसके अंदर ना के बराबर ऑयल यूज़ करा है। मतलब कि आपकी बॉडी को जितने भी ऑयल यानी कि फैट इनटेक की रिक्वायरमेंट है वो आप आराम से लंच और डिनर में पूरा कर सकते हो। देन यू कैन मेक सो मेनी वेरिएशंस ऑफ इडलीज। मतलब अभी हमने इसके अंदर ओट एंड सूजी डाला, आप चाहे तो और भी वेराइटी की इडली जैसे दाल की इडली, राइस की इडली बना के डिफरेंट वेरिएशंस में इसको ट्राई कर सकते हो। इसका पोर्शन कंट्रोल करना कितना आसान है, 3 इडली या 4 इडली आप आराम से गिन के खा सकते हो। ये एक वेट लॉस फ्रेंडली मील ऑप्शन है, मतलब अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तब भी आप इडली को आराम से अपने मील्स में इंक्लूड कर सकते हो। इनफैक्ट हम अपने वेट लॉस डाइट प्लान्स में इडली देते हैं। एक और बेनिफिट बताऊं, अगर आपकी इडली बची रह जाए मतलब लेफ्ट ओवर इडली को भी रीयूज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप इसको शाम की चाय के साथ ले सकते हो मसाला इडली बना के। एंड लास्टली इट्स एन इंडियन फेवरेट ब्रेकफास्ट जो कि कभी भी कहीं भी आराम से मिल जाता है। चलो अब और मजे की बात, मैं आपको इडली के बारे में 2 फन फैक्ट्स बताती हूँ। आपको पता है 30 मार्च 2015 में एक चेन्नई बेस्ड केटरर एनियावन ने 1328 टाइप की इडली बनाई और उसमें से एक 44 kg की इडली थी जो कि वहां पे प्रेजेंट सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मिलके कट करी और तब से 30 मार्च को वर्ल्ड इडली डे डिक्लेयर कर दिया गया। एक और फन फैक्ट, इंडिया से जब पहला इंसान स्पेस में गया तो वहां पर उसके मील में थी इडली, क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इडली एक ऐसी डिश है जिसको अगर डिहाइड्रेट कर दिया जाए और फिर बाद में वापस यूज किया जाए तो उसके न्यूट्रिएंट्स, उसका टेक्सचर और उसका टेस्ट लूज नहीं होता। और मे बी इसीलिए आजकल भी आपने शायद नोटिस किया होगा कि एयरक्राफ्ट में या जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो वहां पर ब्रेकफास्ट में कई बार इडली सर्व की जाती है। ओके गाइस, तो मैं मिलती हूँ आपको लंच पे। लंच में आज मैं मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ। तो पहले एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लेना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, उसके बाद चॉप्ड जिंजर, इसको हल्का सा कुक करेंगे और अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे और अब जैसे ही ये हल्का सा पक जाएगा इसके अंदर बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मिक्स वेज है तो इसलिए आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हो। मैं बीन्स ले रही हूँ, इसके बाद गोभी, देन गाजर, फिर कैप्सिकम एंड दैट्स इट। अभी इसमें हम पनीर भी ऐड करेंगे बट वो लास्ट में, और आप चाहो तो और कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, मशरूम, मटर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मिक्स वेजिटेबल है इसलिए आपके पास पूरी चॉइस है, आपने जो सब्जियां इसमें ऐड करनी है आप कर सकते हो। और जनरली हम खाना बनाने के लिए ना कई बार बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो कि ये सारी सब्जी बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है और अभी आप देखोगे कि कैसे खाना 2 चम्मच तेल में भी बन सकता है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक एज पर योर टेस्ट, देन लाल मिर्च, आप इसकी जगह पे थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो, देन धनिया पाउडर, इसके बाद हल्दी और फिर गरम मसाला। आप चाहे तो इसमें सब्जी मसाला भी ऐड कर सकते हो। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। फ्लेम को स्लो करके रख दीजिए और अराउंड 10 से 15 मिनट के बाद आप जब वापस देखेंगे तो सब्जी कुक हो चुकी होगी। आप बीच बीच में भी इसको 1-2 बार खोल के वापस मिक्स कर दीजिए सो दैट कुछ भी जले नहीं। अब ये सारी सब्जी कुक हो चुकी है, अब एंड में हम इसके अंदर पनीर के क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। पनीर को हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक तो उसको बहुत ज़्यादा कुक करने की जरूरत नहीं होती एंड सेकेंडली क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो अगर हम इसे पहले ही डाल देते तो ये टूट जाता। नाउ मिक्स एवरीथिंग नाइसली एंड विद दिस हमारी मिक्स वेजिटेबल रेडी है। सो हेज़ आवर लंच जिसके अंदर है मिक्स वेजिटेबल, साथ में 2 स्मॉल साइज मल्टीग्रेन रोटी, 1 प्लेट सैलेड जो कि होगा अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ सैलेड, एंड देन 1 ग्लास छाछ।
कितना सारा खाना, मतलब कितना फिलिंग, कितना डिलीशियस एंड स्टिल वेट लॉस फ्रेंडली, कैन यू इमेजिन? इतना सारा खाना होने के बाद भी इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा नहीं है, घर का बना हुआ है, सिंपल है, साफ सुथरा है, तो कोई गिल्ट भी नहीं है। कितना न्यूट्रिशियस है, मिक्स वेजिटेबल की वजह से आपको कितनी सारी अलग अलग सब्जियों की गुडनेस मिल रही है, सैलड की वजह से फाइबर रिच है, छाछ इसको डाइजेस्टिव भी बनाता है, और इसे कहते हैं एक परफेक्ट इंडियन मील। तो चलो मैं आपको इंडियन फूड के बारे में कुछ फन फैक्ट बताती हूँ। डू यू नो दैट इंडिया इज द स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? जितने स्पाइसेस, जितने मसाले इंडिया के अंदर है, उतने स्पाइसेस दुनिया में कहीं और नहीं। और अगर हम मसालों की बात करते हैं तो उसमें भी द किंग ऑफ ऑल स्पाइसेस, डू यू नो विच वन इज दैट? दैट इज ब्लैक पेपर, जिसे किंग ऑफ मसाले कहते हैं। एक और फैक्ट, आपने दम बिरयानी या दम आलू खाए होंगे, बट आपको पता है ये दम बिरयानी का इन्वेंशन कैसे हुआ? पुराने जमाने यानी कि एंशियंट टाइम्स में जब रिसोर्सेज कम होते थे, तब काफ़ी सारे लोग एक साथ मिलके एक बड़ी सी हांडी के अंदर सारी सब्जियां और राइस मिला के कुक करते थे, उसको लिड के साथ कवर करते थे और साथ में आटा लगा देते थे ताकि कम रिसोर्सेज में भी खाना कुक हो जाए। किसे पता था कि इससे एक नया स्टाइल ऑफ कुकिंग इन्वेंट हो जाएगा जिसे बोलते हैं दम। और जो भी कह लो, द बिगेस्ट फैक्ट ऑफ इंडियन फूड इज इट्स वेराइटी। आप इंडिया के इस क्यूजीन मैप को तो देखिए, कितने सारे अलग अलग क्यूजीन है सिर्फ एक कंट्री में, और हर क्यूजीन अलग अलग फ्लेवर से बना हुआ है, हर क्यूजीन अपने आप में एक स्पेशल है। चलो एक काम करते हैं, जिस तरह आज हम ये इंडियन डाइट प्लान कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो मैं इंडिया के अलग अलग क्यूजीन पे भी डाइट प्लान, मतलब फुल डे ऑफ ईटिंग का व्लॉग बना सकती हूँ। कभी मराठी फूड, कभी गुजराती फूड, कभी पंजाबी फूड। तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में कौन सा डाइट, यानी कि किस क्यूजीन का, किस रीजन का डाइट प्लान देखना है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करो और उसके बाद मुझे कॉमेंट में बताओ कि आप नेक्स्ट किस रीजन का डाइट प्लान देखना चाहोगे। ओके, सो नाउ आई हैव माई लंच एंड आई विल नाउ मीट यू ऑन द इवनिंग स्नैक। It's evening time and I'm making myself a homemade healthy snack, जो कि है homemade भेल। इसके लिए पहले मैं कुछ puffed rice ले रही हूँ, जिसे हम मुरमुरे भी कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर roasted चना डाल रही हूँ, and then roasted peanuts। इसके बाद chopped onion, chopped tomato, green chilies and धनिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर लेमन जूस भी डाल सकते हो, चाहे तो कोई चटनी भी डाल सकते हो, पुदीने की चटनी या फिर इमली की चटनी, उससे ये और भी ज़्यादा चटपटा एंड टैंगी हो जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो कीप इट सिंपल जस्ट लाइक दिस। ऑलराइट गाइस, तो ये रही हमारी चाय और इवनिंग स्नैक। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बताया है कि मैं ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी और रेगुलर चाय भी लेती हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो मेरी रेगुलर चाय होती है उसके अंदर चीनी नहीं होती, प्रोसेस्ड शुगर बिल्कुल नहीं होती, इनफैक्ट किसी भी तरह का मीठा नहीं होता। और अब मुझे इस तरह की चाय पीने की आदत हो गई है। अगर आप बिना मीठे की चाय नहीं पी सकते तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि चीनी को रिप्लेस कर लें किसी हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से। आप स्टीविया ले सकते हैं जो कि एकदम नेचुरल होता है, या फिर आप गुड़ की शक्कर ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप सिर्फ खांड भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो एटलीस्ट प्रोसेस्ड नहीं होती। चीनी से तो मच बेटर है, कैलोरीज बराबर है तो, बट चीनी से बेटर है। कोशिश करो धीरे धीरे करके ये चीनी और मीठे की आदत छोड़ी दो, बिकॉज ये एडिड शुगर, जीरो कैलोरीज किसी के काम नहीं आई आज तक। तो ठीक है, और जो मैं अपनी चाय में दूध डालती हूँ वो भी लो फैट मिल्क होता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में मिल्क होता है, और इस तरह की चाय पीने की अब मुझे आदत हो गई है। और अब अगर बात करें इस इवनिंग स्नैक की, जो मैंने आपके सामने अभी 2 मिनट के अंदर अंदर बनाया है, ये लाइट भी है और टेस्टी भी है, फिलिंग भी है, और ये बहुत चटपटा है। मतलब जैसे हमारे इंडियन टेस्ट बड्स होते हैं ना, एकदम चटपटा खाना हमें पसंद होता है, तो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, और ये चाय के साथ तो बहुत ही कमाल का जाता है। सो दिस इज़ माई इवनिंग स्नैक, होम मेड भेल कहो या कुछ भी कहो, और साथ में चाय। अभी मैं अपना इवनिंग स्नैक इन्जॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे डिनर पे। चीयर्स गाइस। डिनर में आज मैं एक बहुत ही बेसिक सिंपल इंडियन डिश बना रही हूँ। हम बना रहे हैं खिचड़ी। तो इसे बनाने के लिए पहले मैं हाफ कटोरी राइस ले रही हूँ, और अब इसके बाद हाफ कटोरी मूंग दाल इसमें डालेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। एंड देन थोड़ा सा और पानी डाल के हम इसको कुछ देर के लिए सोख होने के लिए रख देंगे, और तब तक हम इस खिचड़ी का बाकी का सामान रेडी करते हैं। तो पहले हम कुकर में 1 टेबलस्पून घी लेंगे, इसमें जीरा डालेंगे एंड देन थोड़ी सी हींग डालेंगे। वैसे तो खिचड़ी में सिर्फ हींग और जीरे का ही तड़का लगता है, बट आज हम मसाला खिचड़ी बना रहे हैं, जो कि बेसिकली आप इसे कह सकते हो कि 1 पॉट दाल चावल के जैसा भी है ये। सो इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी डलने वाले हैं। तो अब मैं इसके अंदर ये होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रही हूँ, जिस पेस्ट को मैं बना के स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में, ये 3-4 दिन आराम से चल जाता है। और अब हम इसके अंदर चॉप किया हुआ अनियन डालेंगे और इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे।
साथ साथ मिक्स करते रहिए, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये कुकर के बॉटम में चिपक जाता है, इसलिए आपको साथ साथ हिलाते रहेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। और जैसे ही अनियन और जिंजर गार्लिक थोड़ा सा पक जाएगा, हम इसके अंदर चॉप किया हुआ टमाटर डाल सकते हैं और साथ में चॉप हरी मिर्च। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कुक करना है। बेसिकली हम खिचड़ी का मसाला यानी कि तड़का रेडी कर रहे हैं, तो अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ब्लैक पेपर। खिचड़ी में ब्लैक पेपर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए इसके अंदर आप लाल मिर्च की जगह हमेशा काली मिर्च यूज़ कीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जले नहीं, अच्छे से पक जाए, और साथ में इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और उसके बाद ये सोग दाल एंड चावल अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने इसमें पानी डालना है। सो खिचड़ी में जो पानी का क्वांटिटी रहता है वो होता है 1:6, मतलब जितना भी दाल चावल है उसका 6 टाइम्स पानी होता है। हमारा आधा कटोरी दाल था और आधा कटोरी चावल थे, इसलिए वो 1 कटोरी बना, तो इसलिए 6 कटोरी पानी जाएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बॉयल आने का वेट करेंगे। अभी हम कुकर को बंद नहीं करेंगे, इसको खुला ही रखेंगे और बॉयल आने देंगे। जैसे ही एक बॉयल आएगा अब हम इसको बंद करेंगे और विसल की वेट करेंगे। मैं इसमें 4 विसल्स लगवाने वाली हूँ, जिसके बाद ये खिचड़ी बनके रेडी हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो हमारी मसाला खिचड़ी, जिसे आप वन पॉट दाल चावल भी कह सकते हो, बनके तैयार है। तो ये हमारा आज का डिनर, एक प्लेट मसाला खिचड़ी जो कि होगी अराउंड 150-180 ग्राम्स के बीच, एंड साथ में है एक प्लेट सैलेड। एंड आपने देखा इसको बनाना कितना आसान था, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी होती है, फिलिंग भी होती है, न्यूट्रिशियस भी होती है, और एज यू नो इट्स ऑल्सो ईजी ऑन योर स्टमक, मतलब इसको डाइजेस्ट करना आसान है, इसलिए आप इसे डिनर में आराम से ले सकते हो। एंड ये एक बहुत ही बैलेंस्ड मील है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन है, कार्ब है, फैट्स है। एंड डू यू नो इसके अंदर जो हमने मूंग दाल यूज़ किया है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स तो है, बट वो एक कम्प्लीट प्रोटीन नहीं है। जब हम उसे राइस के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल बन जाता है, जिसके अंदर सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं। हैविंग सेड दैट, दिस डिश इज ऑल्सो वेट लॉस फ्रेंडली, विच मीन्स इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट देन ऑल्सो यू कैन एन्जॉय दिस मसाला खिचड़ी। इनफैक्ट हम खुद अपने वेट लॉस प्रोग्राम्स में, डाइट प्लान्स में इस डिश को देते हैं। एंड अगर आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहो, अगर आपके कोई फिटनेस गोल्स हैं, वेट लूज करना या कोई भी और, तो आप आई एम वाउ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो, जिसमें हम इसी तरह के डिलीशियस और दिलचस्प खाने देते हैं। प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं इंजॉय करती हूँ अपना डिनर और आपसे, ओह खिचड़ी का फन फैक्ट तो रह गया, तो खिचड़ी के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट आपको मैं बताती हूँ। खिचड़ी एक ऐसा इंडियन मील है जिसे रिचुअल्स में भी यूज़ किया जाता है, रिचुअल्स में बनाया जाता है, जैसे कि दुर्गा पूजा के भोग में या फिर मकर संक्रांति पे। था ना मज़ेदार फैक्ट। हम मिलते हैं डिनर के बाद। चीयर्स। मैं सोने से पहले हर रोज़ एक कप इस रिलैक्सिंग टी का लेती हूँ, जिसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड फ्लावर्स हैं जो अच्छी नींद में बहुत हेल्प करते हैं। इसके अंदर कैमोमाइल है, लैवेंडर है, लेमन ग्रास है, रोज़ है, रुईबोस है, और सब 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल है, जिसका एक एक दाना आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। इसे बनाना बहुत सिंपल है, बस हमें 2 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में ब्रू करके रखना है, और इसी के साथ हमारी नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी रेडी है। अगर आप भी आई एम वाउ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी को ट्राई करना चाहो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनको इंडियन फूड की पावर के बारे में बताइए, दिखाइए कि हमारा खाना कितना रिच, डिलीशियस और न्यूट्रिशियस हो सकता है। और अगली बार आप किस क्यूजीन के ऊपर मील ऑप्शंस देखना चाहोगे वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो, गुड नाइट।